नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप डिस्कवरी ऑफ राजस्थान देख रहे हैं। ये जयपुर के मानसरोवर का मध्यम मार्ग है और आज मैं सिटी पार्क मानसरोवर में आया हूँ। तो आपको भी इस पार्क में क्या है क्या नहीं है वो दिखाता हूँ। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पार्क का नाम और ये कहाँ पे स्थित है। और यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे तो इस तरह का व्यू हमें देखने को मिलेगा। ये सड़क के दूसरी तरफ से लिया हुआ शॉट है जो इसका फ्रंट एलिवेशन और आयरन डोम है। ये सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले यही दिखाई देता है। इस आयरन डोम के नीचे रंगीन फव्वारे लगाए गए हैं जो रात के समय में प्ले किए जाते हैं, जिससे रंगीन रोशनी निकलती है और एक बहुत ही सुहावनी छटा यहाँ पे बनती है। ग्रीनरी की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत कम ही पेड़ पौधे हैं क्योंकि पार्क अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आधे पार्क में अभी भी काम चल रहा है। दिवाली से पहले जब इसका इनॉग्रेशन किया गया था तो सोशल मीडिया पे कुछ ड्रोन फुटेज खूब वायरल हुए थे इस पार्क को लेके। वो रात के समय में शूट किए गए थे और सिर्फ इसी एरिया के शूट किए गए थे। उस टाइम पे यहाँ पे जो कलर्ड फवारे, जो रंगीन फवारे हैं उनको प्ले किया गया था और लगा कि ये बहुत ही सुंदर पार्क है। हाँ, सुंदर है लेकिन अभी इसको थोड़ा और वक्त लगेगा। पार्क की ओपनिंग का समय सुबह 6 बजे से शाम को या रात को 9 बजे तक है। आप इस दौरान आकर के पार्क विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पार्क में एंट्रेंस और कुछ स्टोन के स्कल्पचर्स या धातु के मूर्तियों को छोड़ करके देखने के लिए इतना कुछ खास है नहीं क्योंकि पार्क अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आधे पार्क में जैसा मैंने बताया काम चल रहा है। एरिया वाइज बात करें तो पार्क का एरिया 50-55 एकड़ में है और अगर इसके पैदल ट्रैक के साथ साथ पेड़ पौधे लगेंगे तो गर्मियों में घूमने के लिए ये एक अच्छा पार्क होगा। लेकिन फिलहाल पेड़ पौधे बहुत कम हैं। लैंडस्केपिंग एरिया में भी पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं। तो गर्मियों में यहाँ पे आना कोई भी आना नहीं चाहेगा क्योंकि छांव की बहुत कमी रहेगी। तो आइए इस एरिया से थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पे स्कल्पचर्स लगे हैं। ये देखिए, ये इस तरह के स्कल्पचर्स लगे हैं और इनके साथ लोग बाग सेल्फी लेते हैं। ग्रीनरी अभी ग्रास पूरे पार्क में लगा दी गई है लेकिन इसको भी तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। ये देखिए, इस तरह के धातु के स्कल्पचर्स और मूर्तियाँ लगाई गई हैं पूरे पार्क में, जगह जगह, और अलग अलग प्रकार की लगाई गई। तो फिलहाल इस पार्क का मुख्य आकर्षण ये मूर्तियाँ हैं और एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जो 213 फीट की हाइट के पोल पे लगाया गया है। तो उसके साथ जो घूमने आने वाले हैं वो सेल्फी लेते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर आप इस पार्क को विजिट करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे के बाद अगर आप यहाँ आएँ तो वो इस पार्क को विजिट करने का बेस्ट समय है। लोकेशन की अगर बात करें तो मानसरोवर के मध्यम मार्ग पे ये स्थित है और बिल्कुल मेन रोड मध्यम मार्ग पे आपको इसका एंट्रेंस गेट मिल जाएगा। वहीं पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग लगाया गया है। इसकी हाइट 213 फीट है। यहाँ पे लोग बाग इसके साथ सेल्फी लेते हैं और इस तरह के ट्रैक पैदल वालों के लिए बनाए गए हैं। सेंट्रल पार्क के कंपैरिजन में इसके जो पैदल ट्रैक हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं। इनके साथ साथ म्यूजिकल फाउंटेन्स और बैठने के लिए इस तरह की चेयर्स मिल जाएंगी दोनों तरफ और जगह जगह आपको पानी पीने के लिए मिल जाएगा। एंट्रेंस पे आपको कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में। धन्यवाद।